तो दिस वीडियो इज़ फॉर आई पी यूनिवर्सिटी एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछी है जो फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन है फोर्टी थाउजेंड फीस जो है उसको उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम और अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स नहीं है तो फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है एडमिशन का दैट आई विल क्लियर इन दिस वीडियो ओनली तो कई कोर्सेज़ का आपका काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है वेल सम कोर्सेज हैव स्टार्ट देयर चॉइस फिलिंग जिसका आज लास्ट डेट था टू पी एम तक तो हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड करें बट हो सकता है ना भी करें तो आप समझिए कि चॉइस फिलिंग का भी आपका हो गया वो लिमिटेड कोर्सेज का था एम सी एल एल बी एंड बी एड एंड एम बी ए इन कोर्सेस का था बाकी कोर्सेज़ की चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि आप देखिए रजिस्ट्रेशन की ही आज आपकी लास्ट डेट है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो वो जैसे ही स्टार्ट होगी बाकी कोर्सेस के लिए आई विल अपडेट यू उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब अनडाउट्स आते हैं आपके फोर्टी थाउजेंड फीस से रिलेटेड तो जिनकी च्वाइस uh, फिलिंग आज हो गई है कम्प्लीटेड जिन कोर्सेज की उनका अब जल्द ही कॉलेज अलाटमेंट लिस्ट आने वाली है और बाकी कोर्सेज के लिए अब चॉइस फिलिंग ओपन होने वाली है तो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले तो जैसे ही वो चॉइस फिलिंग ओपन होगी आई विल अपडेट यू और आप वो प्रोसेस कैसे चॉइस फिलिंग करनी है चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है वो सारा आप प्रीवियस वीडियोस में चेक करके पहले से ही रख लीजिए और जिन लोगों की चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनके लिए अब क्या होगा कॉलेज अलाटमेंट की लिस्ट आने वाली है कॉलेज अलाटमेंट में क्या होगा आपने जो चॉइस प्रेफर करी है उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा आपकी रैंक के हिसाब से जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है कॉलेज की क्या आपको कॉलेज मिल रहा है अगर मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी विल अलॉट यू डेट कॉलेज ओनली अगर नहीं होता है फर्स्ट में आपकी रैंक फिट तो वो सेकेंड कॉलेज आपकी सेकेंड प्रेफरेंस के हिसाब से विल करेंगे और फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे करके आपके कॉलेज अलॉट होंगे तो जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको टू ऑप्शन हैं फर्स्ट कि आपका अगर आपको सेटिस्फाइड हो उस कॉलेज से तो यू फ्रीज़ द सीट फ्रीज़ द सीट में क्या होता है कि आप उसे लॉक कर देते हैं कि हाँ मेरे कॉलेज पसंद है एंड आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन दिस आई डोंट वांट एनी फर्दर चेंजेस इन दिस कॉलेज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिल रहा था जो आपका मोस्ट फेवरेट था तो वहीं पे आप सीट को फ्रीज कर देते हैं फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ आपको वहाँ पे करने होते हैं एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर फीस जो आपकी कॉलेज में जानी है सपोज आपकी वन लैख की फ़ीस है कॉलेज की तो फोटी थाउजेंड उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपको फिर बाद में कॉलेज में सिक्सटी थाउजेंड पे करने होंगे तो वो पार्ट ऑफ द फीस है कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है वो उसके बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है कॉलेज फ़्लोट करने का अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है सपोज़ यू वॉन्ट बेटर कॉलेज वो कॉलेज भी ठीक है आपके लिए बट यू वॉन्ट सम बेटर कॉलेज तो आप सीट को फ्लोट कर देते हैं फ्लोट करने से क्या होता है आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो काउंसलिंग की सेकेंड राउंड आएगा तो अगर आपकी वहाँ पर दोबारा चांस बनती हैं तो वो हो सकता है कि आपका और अपर प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दें लेकिन इसमें भी आपको फोटी थाउजेंड पे करने होते हैं कॉलेज फ्लॉट फ्लोट करने के लिए भी अगर आपको कॉलेज पसंद है या नहीं पसंद है आप फोर्टी थाउजेंड पे करेंगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं अगर ये केस तभी वैलिड है जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ है अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो यू ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफ़र टू द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसिलिंग तो ये होता है सिस्टम कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं फ्रीज़ करिए फ्लोट करिए दोनों ऑप्शन में फोर्टी थाउजेंड तो आपको पे करने ही होंगे कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम अगर राउंड फ़्लोट करते हैं और सेकंड राउंड में भी जाके हमें अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या जो पहले कॉलेज मिला था वो हमें पास रहेगा या छिन जाएगा वो कॉलेज आपके पास रहेगा क्योंकि आप फोटी थाउजेंड वहाँ पे कर चुके हैं तो आप के पास ऑप्शन आएगा जो मैं तभी आपको स्क्रीन पे शो करके जो भी आपका होगा मैं वहीं पे शो कर दूँगी कि आपका कैसे आपको पहले वाला कॉलेज ही फ्रीज़ कर लेना है तो ये होता है आपका प्रोसेस इसके थ्रू आप अपने कॉलेज को फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड के लिए बिना फीस पे करे ही एलिजिबल हो जाते हैं अगर कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको पसंद आ गया है वेल यू कैन जस्ट फ्रीज योर सीट देन एंड देयर बाय पेइंग फोर्टी थाउजेंड नहीं पसंद आया है कॉलेज फ्लोट कीजिए नेक्स्ट राउंड में आप जाके ट्राई कीजिए बेटर कॉलेज मिलता है तो ठीक है नहीं तो आप थर्ड राउंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं थर्ड राउंड में बेटर कॉलेज मिलता है तो अच्छा है नहीं तो आपको जो पहले कॉलेज मिला था आप उसे ही फ्रीज कर सकते हैं कॉलेज फ्लोट करने के लिए भी पहले ही राउंड में आपको फोर्टी थाउजेंड देने पड़ेंगे कॉलेज अलॉट हुआ है दैट मीन्स यू हैव टू पे फोर्टी थाउजेंड नहीं हुआ है तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर टू द अदर राउंड्स तो ये आपका प्रोसेस रहता है यूनिवर्सिटी का कॉलेज फीस करने का और फ्लोट करने का तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस पहले ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ आई एम जस्ट मेकिंग दिस इन एडवांस सो डैट यू गेट मेंटली प्रिपेयर फॉर द फ्री क्राइटेरिया जो आपको पहले पे करना है यू गेट रेडी विद द अमाउंट बिकॉज इनकी चॉइस लॉकिंग आज हो चुकी है तो सून द कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट विल बी आउट एंड यू विल बी आज टू पे फोर्टी थाउजेंड विद इन टू टू थ्री डेज़ तो वो जल्द ही हो जाएगा सो गेट मैंटली प्रिपेयर फॉर डैट इन एडवांस आई एम अलर्डिंग यू अबाउट डैट और भी कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन नहीं करी है और अब कोर्स हो गई है तो क्या करें सॉरी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैंने काफ़ी सारे आपको रिमाइंडर दिए थे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी भा, बहुत बार डेट एक्सटेंड हुई है तो नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन और कुछ मैनेजमेंट कोटा से ट्राई करना चाहते हैं अगर उनकी रैंक नहीं आती तो मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है अगर आपकी लो रैंक है तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है विद अ कोटा कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है उसकी फ़ीस अलग होती है तो वो सब आ, मैंने आपको आ, बता दिया है पहले की वीडियोज़ में अगर आपने वो चेक नहीं करी है तो चेक कीजिए और जिन लोगों की अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है जैसे ही होगी आपको अलर्ट मिल जाएगा उसके लिए आप पहले ही जाके वीडियोस देख लीजिए कैसे चॉइस फिलिंग करनी है चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है ताकि आपकी कोई गलती ना हो और जिनकी हो चुकी है जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आती है एल अपडेट यू फॉर ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू आई यूनिवर्सिटी एडमिशन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल